नमस्कार, सीटीईटी में बड़ी अपडेट आ चुकी है कि ये मैसेज आया है कुछ लोगों को कि आप इमेज का यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज का डिस्क्रिपेंसी हटाएं, ये रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ लोगों का मैसेज आया है कि डियर अप्लीकेंट, आपका अप्लीकेशन में है इमेज डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। तो यहाँ पर हैज बिन फाउंड द अपलोड इमेज कैंडी विजिट सीटीईटी की वेबसाइट और यहाँ पर जाकर रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी सीटीईटी दिसंबर 2022, इस प्रकार से मैसेज आया है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सीटीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर अप्लाई वाले पर क्लिक करेंगे। और आपको करना जरूरी है क्योंकि दिक्कत हो सकती है, एडमिट कार्ड रुक सकता है। यहाँ पर जाके हम कैप्चा जैसे ही भरेंगे और कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से लॉग इन करेंगे, साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी दिया हुआ है। कुछ लोगों में सिर्फ इस प्रकार से डाउनलोड कंफर्मेशन पेज दिया हुआ है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। तो उनको कुछ नहीं करना है, जिनको इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करके और एक अच्छा सा फोटो अपना और अपलोड करेंगे, अच्छा सा फोटो फिर से और अपलोड करके कंप्लीट करेंगे, फिर डाउनलोड करके रख लेंगे। यह काम उनको जरूर करना होगा क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वह फोटो को सही नहीं मान रहा है, यानी फोटो को स्पष्ट नहीं मान रहा है, या तो ब्लर माना जा रहा है या तो खराब फोटो माना जा रहा है, इसलिए वो फोटो को सही नहीं मान रहा है तो डिस्क्रिपेंसी दे दिया हुआ है। ऐसा कई लोगों में आया हुआ है, अगर आप में भी ऐसा कुछ मैसेज आया हुआ है इस प्रकार से सीटीईटी से संबंधित, तो आप जरूर इस पर लॉग इन करके और अपने अपने फोटो को दोबारा अपलोड करें, ठीक है इस प्रकार से। क्योंकि अगर आपको देख सकते हैं सभी में इस प्रकार से मैसेज आया हुआ है और लॉग इन करने पर इस प्रकार से दिखा रहा है, तो आपको अपना काम जरूर कर लेना है। अपना आवेदन क्रमांक कैसे खोलेंगे मैंने बता दिया कि जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद सीधे लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी दिया हुआ है, तो यहाँ पर दूसरा फोटो अपलोड करके इसको रिमूव कर लेंगे। जैसे दूसरा फोटो अपलोड करेंगे फिर एक दो दिन में ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। यह एक छोटा सा अपडेट था तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। अपडेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।